जी टीवी के शो कुमकुम भाग्य में बहुत जल्द जनरेशन लीप आने वाला है। पर ये बात तो आप जानते ही हैं। अब रोज रोज कभी शो के लीप के बाद की कहानी को लेकर खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में शो की नई स्टारकास्ट को लेकर, यहां तक कि कुछ खबरों में तो ये तक कहा जा रहा है कि इस लीप के बाद एक्टर शब्बीर आलूवालिया और श्रुति झा शो छोड़ देंगे। लेकिन अब हमें खबर मिली है कि शो का ये बिग फैट लीप पोस्टपोन हो गया है। जी हाँ, एकदम ठीक सुना आपने। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 साल का ये लीप शो में अब टल गया है। खैर, इससे पहले कि आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचे, हम आपको इसके पीछे का पूरा माजरा बताते हैं और इस बड़े बदलाव का रीजन, तो आइए सुनिए। दरअसल शो का ये लीप 11 मार्च के लिए पहले से स्केड्यूल था, लेकिन अब ये लीप अपने तय समय पर टेलीकास्ट नहीं होगा। हाँ, मगर शो में लीप जरूर आएगा। दरअसल मेकर्स ने शो के इस लीप को पोस्टपोन करके एक हफ्ता आगे कर दिया है और अब शो में ये लीप आपको 18 मार्च से देखने को मिलेगा। वैसे अगर बात करें इस डिले की, तो शो में लीप एक हफ्ता आगे बढ़ने की वजह शो की करंट स्टोरी लाइन है। दरअसल इन दिनों दिखाया जा रहा है कि शो में कियारा का किडनैपिंग ड्रामा चल रहा है। उधर अभी प्रज्ञा दोनों उसे बचाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरह शो में ड्रामा इंटेंस होता जा रहा है, उसे देखकर लग रहा है कि ये ड्रामा आने वाले एक हफ्ते और चलेगा, और इसीलिए मेकर्स ने अब इस लीप को एक हफ्ता आगे बढ़ा दिया है और अब ये लीप हमें 18 मार्च को शो में देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि इस लीप के बाद शो में और क्या क्या होगा। वैसे आपको बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है कि इस लीप से पहले अभी प्रज्ञा एक बार फिर से अलग हो जाएंगे और उधर कियारा किंग सिंह के साथ बड़ी होगी। लेकिन शो में ये दिखाया जाएगा कि कियारा की मौत हो गई है और अभी प्रज्ञा अपने जुड़वा बच्चों के साथ अलग अलग रहेंगे। और फिर हम देखेंगे कि अभी प्रज्ञा के बच्चे ही 20 साल के बाद आगे की कहानी टेक ओवर करेंगे। तो देखते हैं कि इस 20 साल के लीप के बाद शो में कौन कौन से नए चेहरे शामिल होंगे और 20 साल के बाद की कहानी कहां से शुरू होगी।